यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। महायुद्ध के बीच एक बार फिर से रूस के पास अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी आ गई है, जिससे यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक में भारी हलचल है। क्योंकि पिछली बार जब रूस यूएनएससी का अध्यक्ष था तो उसने यूक्रेन पर हमला किया था, और इस बार ऐसे वक्त में ये मौका रूस को मिला है जब अमेरिका के साथ यूक्रेन की टेंशन चरम पर है और दोनों महाशक्तियों के बीच में जंग होने की आशंकाएं बहुत ज्यादा है। चल रही महाजंग अब परमाणु युद्ध के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका और रूस में कभी भी भिड़ंत हो सकती है। रूस ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करके अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया है, और अपनी परमाणु नीति में भी बदलाव करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को तोड़ दिया है, और पहली बार रूस के बाहर बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। विश्व की दो महाशक्तियों में टकराव के हालात बन रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी किया गया है, यानी ग्लोबली पुतिन अब वांटेड है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र महासंघ सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस को मिल गई है, जिससे यूक्रेन भड़क उठा है। Вчора зі скарбом вбили ще одну українську дитину, 5-місячного хлопчика, його звали Данило, з Авдіївці, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія. Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. युद्ध चल रहा है। रूस पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। बच्चों के निर्वासन के आरोप में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। रूस के बाहर पुतिन को 123 देशों में गिरफ्तार किया जा सकता है। इन सबके बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। अप्रैल महीने के लिए दी गई रूस को अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक प्रक्रिया है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्य को हटा नहीं सकते। फरवरी 2022 में भी रूस यूएनएससी का अध्यक्ष था। यूएनएससी का अध्यक्ष रहते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन इसी को आधार बना रहा है और कह रहा है कि अप्रैल फूल पर इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता है। यूक्रेन के विरोध का कोई असर नहीं है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए हैं और कहा कि परिषद के स्थायी सदस्य से अध्यक्षता नहीं छीन सकता। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और हर एक देश को एक एक करके परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, और इसी प्रक्रिया के तहत फरवरी 2022 के बाद अप्रैल 2023 में रूस को फिर से परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसा तब हुआ है जब विश्व के हालात बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है, और अमेरिका को डर है कि रूस यूएनएससी की अध्यक्षता को गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपने एक्शन को सही ठहराने की कोशिश करेगा।
मॉस्को ने भी इशारा दिया है कि वो नए वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा कराएगा, जिसमें अब अमेरिका का आधिपत्य नहीं रहा। जाहिर है यूएनएससी में भी अमेरिका बनाम रूस होने वाला है, जिनके बीच किसी भी वक्त सीधी जंग होने की आशंका है, पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा प्रबल है।